हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भाजपा ने दिया सांकेतिक धरना, मुख्य मांग को लेकर जिला को सौंपा ज्ञापन। जिले में पेयजल संकट को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने किसान भवन के पास भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक धरना दिया। करीबन 3 से 4 घंटे तक लगातार पानी संबंधित चर्चा व कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। सांकेतिक धरने में पाली जिले के आसपास गांवों से लोग आकर धरना में हिस्सा लिए। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा पदाधिकारियों ने पेयजल संकट के लिए प्रदेश की कांग्रेस राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने गलत निर्णय लिया जिसका नुकसान पाली जिले वासियों को उठाना पड़ रहा है, और कहा कि किसानों को जरूरत से ज्यादा पानी जवाई बांध से नहीं देते तो ऐसी मुसीबत नहीं आती। इसके साथ ही भाजपा पदाधिकारियों ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को बेरोजगारी, महिला अत्याचार, नाबालिग बालिकाओं के साथ हो रहे अपराध को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य में प्रदेश में महिला सुरक्षित नहीं है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पाली विधायक ज्ञान प्रकाश पारक ने पेयजल संकट के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में जवाई बांध में पेयजल कम आरक्षित किया। उन्होंने कहा किसानों को फसल बीमा की राशि व अनुदान राशि से भी वंचित रखा। भाजपा जिला अध्यक्ष मनशाराम परमार, नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि राकेश पाटी, पूर्व सभापति महेंद्र बोहरा, भाजपा महामंत्री सुनील भंडारी आदि ने संबोधित करते हुए पेयजल संकट को लेकर संबोधन दिया। जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मुख्य मांग को लेकर कूड़ी से रोहट तक क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को तुरंत दुरुस्त करवाया जाए जिससे पेयजल सप्लाई में काम आ सके। बानियावास जोड़ावास बांध से पानी की पाली शहर में सप्लाई की जाए। पाली शहर के परंपरागत कुएं, बावड़ियों आदि का सर्वे करवाकर साफ सफाई करवाई जाए ताकि इनके से पानी वासियों को जल आपूर्ति हो सके। जोधपुर से पाली प्रतिदिन 4 की जगह 6 ट्रेन प्रतिदिन चलाने की व्यवस्था की जाए। जिले के जिन क्षेत्रों में मीठा भूजल है वहाँ ट्यूबवेल हैंडपंप तुरंत खुदवाया जाए जिससे वहाँ के लोग पानी आवश्यक आपूर्ति हो सके। पाली व रोहट में जहाँ पेयजल सप्लाई बाधित होती हो वहाँ टैंकरों से पानी वितरण की व्यवस्था की जाए। नष्ट हुए फसलों की तत्काल गिरदावरी करवाई जाए। रूडीप का 24 घंटे पेयजल व सीवरेज कार्य अत्यधिक धीमी गति से चल रहा है, उसकी गति बढ़ाई जाए तथा जहाँ सड़कें खोदी गई हैं उसे तुरंत दुरुस्त करवाया जाए। कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मनोहर कंवर, सभापति रेखा भाटी, मानवेंद्र सिंह रोहट, खिमा राम ठारिया, भाजपा रोहट मंडल अध्यक्ष गजेंद्र सिंह, भाजपा एससी मोर्चा के गणपत मेघवाल, खंगारा राम पटेल, पुकराज पटेल, विकास बुबकिया, अशोक बाफना, अशोक नाहर वायद, सुरेश चौधरी, मुकेश नाहर, राधेश्याम चौहान पार्षद, नरपत दवे, कई भाजपा, कई आसपास के भाजपा कार्यकर्ताओं ने आकर धरने में हिस्सा लिया। जागरूक टीवी की पाली से खास रिपोर्ट।